नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मणिपुर आप देख सकते हैं, आपके सामने ओपन है। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की तरफ से यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप मणिपुर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टेनोग्राफर का कोर्स किया है, स्टेनो का किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट है, 47 करीबन पोस्ट यहाँ पर निकल के आ चुकी है स्टेनोग्राफर के लिए, और क्वालिफिकेशन भी इतनी खास नहीं है। तो चलो सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, कितनी सारी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ चुकी है, सैलरीज कितनी मिलने वाली है और आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी चीज़ें हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं। तो चलो दोस्तों डायरेक्टली देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट ओपन है इस पर जैसे आप आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है रिक्रूटमेंट का। जैसे आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ, इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। और जैसे इंटरफेस ओपन हो जाता है तो उसके सामने आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं रिक्रूटमेंट के। तो मैं टीचिंग के बारे में आज नहीं बताने वाला, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट निकली है इसके बारे में। तो चलो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसके नीचे आप यहाँ पर ब्लू लाइन पर आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा और सारा नोटिफिकेशन भी मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का ये नोटिफिकेशन, सेक्रेटरियल की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो आप देखेंगे तो पूरी यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगी स्टेनोग्राफर 3 के लिए। यहाँ पे सैलरीज की बात करें तो आप देख सकते हैं 5,200 से लेकर 20,200 तक सैलरी मिलती है, प्लस ग्रेड पे के तौर पर आपको 2,000 मिलते हैं। मतलब करीबन आपको 22,200 रुपये तक यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। और पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे 47 पोस्ट निकल के आ चुकी है। उसमें से जेंडर के लिए 24 पोस्ट है, एसटी के लिए 14 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी मेल के लिए 6 पोस्ट और ओबीसी एमपी के लिए 2 पोस्ट है और पीडब्ल्यू के लिए 1 पोस्ट है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के 47 पोस्ट निकल के आ चुकी है स्टेनोग्राफर 3 के लिए। तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका कोई भी इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसके बाद में आपका CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, एग्जामिनेशन किस तरह से होगी आपके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर 3 के लिए आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में आपका जनरल इंग्लिश और प्रेसिस राइटिंग एंड एसे होगा, उसमें 100 मार्क्स होंगे और पास के लिए आपको 30% मार्क्स जरूरी होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। सेकेंड ऑप्शन रहेगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर 50 मार्क्स रहेंगे टोटल, उसमें से आपको 30% मार्क्स मिलेंगे तो आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। उसमें आपका 1.25 घंटा आपको मिलेगा, सॉरी 1.5 घंटा यहाँ पे मिलेगा, 1.5 आवर। तो उसके बाद में आपकी कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसमें भी आपको 50 मार्क्स होंगे, उसमें से 30% मार्क्स आपको मिलना जरूरी है, मतलब 25 मार्क्स आपको आने चाहिए। उसके लिए भी आपको यहाँ पर 1.5 आवर मिलेगा। और दूसरा जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा इंग्लिश का, जो कि जरूरी है, उसके लिए आपको 65 वर्ड्स पर मिनट आपको आने चाहिए। 60 वर्ड्स पर मिनट आपका कम से कम एससी और एसटी के लिए है, और जेंडर के लिए 65 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल इन रिटर्न टेस्ट विल बी अलाउड टू सीट इन द कंप्यूटर टेस्ट। मतलब अगर आपने रिटर्न टेस्ट पास की तो ही आप कंप्यूटर टेस्ट में बैठ पाओगे, नहीं तो आप नहीं बैठ पाओगे। तो आपको पहले रिटर्न टेस्ट कंप्लीट करनी है और उसके बाद में आपको चांस मिलेगा कंप्यूटर टेस्ट पे बैठने के लिए। और उसके बाद में अगर आपने कंप्यूटर टेस्ट अगर पास किया तो उसके बाद में ही आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट में बैठने को मिलेगा। मतलब आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट में बैठना है तो उसके पहले आपको ये दोनों टेस्ट पास करनी है, तो ही आप शॉर्ट हैंड का टेस्ट दे पाएंगे। दोस्तों, एज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 38 ईयर्स का एज लिमिट दिया गया है, मतलब 38 ईयर्स के नीचे होना चाहिए आपका उम्र। और रिलैक्सेशन के तौर पर आप यहां पे देख सकते हैं ओबीसी के लिए 41 ईयर्स है और एससी एसटी के लिए 43 ईयर्स है। मतलब आप अगर 43 ईयर्स के भी चल जाओगे अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो। और पीडब्ल्यू के लिए यहां पे 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, मतलब आपका 38 + 10 48 साल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो। दोस्तों, रिजर्वेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अभी बात करते हैं चलो आगे चल के यहाँ पे डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स कब तक मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है द रिटर्न एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स, सॉरी विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड गेट देयर नेम्स स्पॉन्सर्ड बाय द कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसेस ऑन और बिफोर
थर्ड में के पहले आपको आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से आपके नाम से यहाँ पे लेने पड़ेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में वो आपको 10 तारीख से लेके 21 तारीख तक, मतलब 10 मई से 21 मई तक सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आपको अटेस्टेड कॉपी के साथ में, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ में वहाँ पे सबमिट करना है, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। एट दिए देख सकते हैं आप, या एट लियोनजी ऑफ मणिपुर स्टेट गेस्ट हाउस और संजयन थोंग इम्फाल, तो इम्फाल में आपको ये सबमिट करने हैं। और फीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ीस के तौर पर यहाँ पे आपको 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी हो, और 300 रुपये यहाँ पे लगने वाले अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो फ़ीस के तौर पर, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी फ़ीस नहीं भरनी है, आपको यहाँ पे एग्जम्प्टेड है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी फ़ीस नहीं लगेगी। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ के 3 फ़ोटोज़ की ज़रूरत है, एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम फिल करोगे उसके सारे अटेस्टेड कॉपीज़ आपको यहाँ पे लेनी होगी, साथ ही साथ सारे सर्टिफिकेट्स जो आप वहाँ पे लिख रहे हो क्वालिफिकेशन के तौर पर उसके सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स जो आपने कास्ट डाली है अगर आप बैकवर्ड से हो, क्योंकि एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी हो तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको साथ में रखने होंगे, सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद साइन करके, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सबमिट करनी है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर एक नोट्स दिया गया है कि अगर आपने पहले ऑलरेडी अगर आपने एप्लीकेशन भेजा है जीएडी को तो आपको दोबारा एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले एप्लीकेशन से ही आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करने की डेट वगैरह मैंने आपको बताई, अभी फॉर्म की किस तरह से फॉर्म है चलो मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं आप, आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, और यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट जो है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको खुद का नाम डालना है, उसके बाद में फादर्स या हस्बैंड्स का नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्टिक करना है, चिपकाना है, उसके बाद में आपका सेक्स डालना है, जैसे कि मेल हो या फीमेल हो दोनों में से कुछ भी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना जरूरी होगा, और एज ऑन 22/8/2019 को आपकी बर्थ डेट क्या रही है, ये मतलब आपकी एज क्या रही है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मदर टंग जो आपकी लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज वो यहाँ पे डालनी है, उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी चाहते हो उस कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन करना, जैसे कि अनरिजर्व हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या ओबीसी मैताई पंगल या ओबीसी अदर हो तो उसमें से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके नीचे वेदर डिफरेंटली अब्लीड लोकोमोटर हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो भी लगती है वो डालनी पड़ेगी, उसके बाद में वेदर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको यहाँ पे क्या क्या लगेगा आप देख सकते हैं, टिक करनी है यहाँ पे, क्लास 10 का सर्टिफिकेट है तो इसको टिक कीजिए, और उसका जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रेडी रखिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करने के लिए, क्लास 12 का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे टिक कर लीजिए, उसका भी रेडी रखिए, डिग्री सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, कंप्यूटर कोर्स अगर सर्टिफिकेट है सीसीसी का तो आपको यहाँ पे टिक करना है, सर्टिफिकेट इन शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी का अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे टिक करना है, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट है या तो यहाँ पे टिक कर लीजिए, अगर जनरल हो तो यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, पीएच सर्टिफिकेट मतलब फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे टिक कर लीजिए, अगर हैंडीकैप नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इट इफ एप्लीकेबल, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप टिक कर लीजिए, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना जरूरी है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सरिंग सीरियल नंबर है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको मतलब पीडब्ल्यूडी में अगर डिसेबिलिटी का इशू है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आप डाल सकते हो, है तो टिक कर लीजिए, नहीं है तो क्रॉस कर लीजिए, और है तो टिक करने के बाद उसको रेडी रखिए सेल्फ अटेस्ट करके, क्योंकि वो फॉर्म के साथ में आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, सन डॉटर ऑफ मतलब यहाँ पे आई खुद का नाम डालना है, उसके बाद में सन डॉटर ऑफ श्री पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, एज यहाँ पे लिखना है, और रेसिडेंट ऑफ कौन सी जगह से आप, कौन से ज़िले से आप रेसिडेंट हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, और उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट डालना है और यहाँ पे प्लेस लिखना है, तो इस तरह इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर करके ये फॉर्म रेडी हो जाएगा, उसके साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी भेजनी है। दूसरा दोस्तों एडमिट कार्ड के ऊपर भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, जैसे कि आपका कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम, एड्रेस और व्हाटएवर जो भी कैटेगरी है उसके ऊपर यहाँ पे कैटेगरी, नीचे सिग्नेचर, ऊपर सेल्फ अटेस्टेड मतलब फ़ोटो, यहाँ पे आपका
पासपोर्ट साइज़ और उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो कि आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, एडमिट कार्ड के लिए स्टेनोग्राफर 3 का एडमिट कार्ड जो आपका बन रहा है, मतलब ये हॉल टिकट के लिए काम आएगा, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, साथ में फ़ोटो चिपका के ये ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप मैंने सारी चीज़ आपको बताई है कि फॉर्म किस तरह से भरना है और सारी डिटेल्स की जो निकली है, कितनी पोस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, साथ में शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लाइक कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब दिखाओ तो दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का सबसे दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे नए वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।